हिमाचल में फिर खराब होगा मौसम, 3 दिन ओलावृष्टि का येलो अलर्ट, 17-18 मार्च को अच्छी बारिश बताई, सेब बागवानों की बड़ी चिंताएं। हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टरबेंस WD एक बार फिर एक्टिव हो रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल से अगले 2 दिन तक कुछ शहरों में ओलावृष्टि होने का येलो अलर्ट जारी किया। यह चेतावनी किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर सभी 10 जिलों को दी गई। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के मध्यम और अधिक ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में आज भी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 17-18 मार्च को प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। तापमान में भी कमी आएगी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान ने सेब बागवानों की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि प्रदेश में इन दिनों सेब की फ्लावरिंग हो रही है। फ्लावरिंग पर ओलावृष्टि नुकसानदायक होती है, इससे फूल झड़ जाते हैं। ओलावृष्टि के बाद तापमान में अचानक गिरावट होती है, जो अच्छी नहीं मानी जाती है। इसी तरह ओलावृष्टि किसानों की फूल गोभी, मटर और टमाटर की फसल को भी नुकसान पहुंचा सकती है। प्रदेश में पहले ही 1,00,000 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर किसानों की फसल को इस बार 95 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब किसानों को ओलावृष्टि के कारण नुकसान की चिंता सता रही है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।